हे फूडीज, वेलकम बैक टू क्यूमन करी। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो है आलू पूरी की रेसिपी। ये मैंने लिए हैं 2 उबले हुए आलू और इनको अब हम ग्रेट करेंगे। इस तरीके का कद्दूकस हर किसी के पास होता है, तो इसमें से हमें ऐसी प्लेट चूज़ करनी है जिससे बारीक कद्दूकस हो पाए। तो इस प्लेट पर मैं इनको कद्दूकस करूँगी और कद्दूकस करने के बाद हाथ से थोड़ा सा मैश करूँगी वापस से, ताकि कोई चंक्स ना रहें, अदरवाइज़ हमारी पूरियाँ फूलेंगी नहीं। ये देखिए, कद्दूकस करने के बाद मैंने इन्हें हाथों से मैश कर लिया। अब इसमें जाएगा 2 कप्स के जितना गेहूं का आटा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून व्हाइट सेसमे यानी कि सफेद तिल, 2 टेबलस्पून के ही जितना सूजी यानी कि सेमलिना, 1 टेबलस्पून साबुत जीरा होल क्यूमन सीड्स, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर टर्मरिक, 1 टेबलस्पून अजवायन यानी कि कैरम सीड्स, 1 चॉप की हुई ग्रीन चिली मैं डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा तीखा ना पसंद हो तो आप ना डालें, ये स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने रेड चिली ऑलरेडी डाला है। ये 2 टेबलस्पून के जितना मैंने फ्रेश धनिया पत्ते चॉप करके डाले हैं। यहाँ पे सॉल्ट मैंने डाला स्वादानुसार। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए हम इनका एक डो बना लेंगे। इसमें पानी बहुत कम यूज़ करना है क्योंकि आलू में भी मॉइस्चर का कंटेंट होता है, तो आप बहुत कम पानी यूज़ करके इसका डो लगा लीजिए। गीला नहीं होना चाहिए। ये देखिए, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से कंबाइन कर ली और ये डो के फॉर्म में आ गया। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करके इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के, ताकि ये चिपके ना बाद में, इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये मैंने जस्ट 1/2 टीस्पून के ही जितना घी डाला ऊपर और इसको एक बार हर तरफ घुमाते हुए ताकि कोट हो जाए। इसको अब हम ढक कर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर 15 मिनट्स हमने आटे को एक बार फिर से हाथ से हल्का सा गूंदा, ताकि आटा थोड़ा चिकना हो जाए। हाथों में थोड़ा सा तेल अप्लाई कर लीजिए, इससे चिपकेगा नहीं। अब इसमें से हम पूरियों के साइज़ की लोइयाँ काटेंगे। ये पूरियाँ बेसिकली आलू की सब्ज़ी के साथ या फिर आलू मटर की सब्ज़ी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इनको चाय के साथ एज़ इट इज़ खा सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़े मसाले और नमक है, तो उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है। बाकी आज मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है, तो आज मैं उसके साथ ये पूरियाँ बना रही हूँ। इस साइज़ की लोइयाँ बनानी है। अब हम एक लोई उठा के उसमें थोड़ा सा घी या तेल अप्लाई करेंगे। मैं सूखे आटे का यूज़ नहीं कर रही हूँ बर्तन का, क्योंकि उससे क्या होता है, जब आप पूरियाँ तलते हो तो बर्तन तेल में नीचे बैठता है, जिससे आपका तेल ख़राब हो जाता है तलने वाला। तो मैं इस तरीके से बिना बर्तन के पूरियाँ बेल रही हूँ। थोड़ी सी थिकनेस रखेंगे, पूरियों का बाइट आना चाहिए। इसके शेप पे मत जाइएगा, क्योंकि हमने बर्तन नहीं यूज़ किया है, तो थोड़ा सा ओवल शेप आ रहा है। इसी तरीके से हम बाकी की पूरियाँ बेल लेंगे। तेल एकदम से जब गर्म हो, यानी कि उसमें से धुआं निकलने लगे, तो हम अपनी पूरियां डालना शुरू करेंगे। और पूरियों को डालने के बाद या तो इस तरीके से आप उस पर तेल डालते रहो जिससे पूरियां फूलती हैं, अदरवाइज़ उन्हें करछी की मदद से आप थोड़ा सा नीचे के साइड प्रेस करोगे तो उस तरीके से भी पूरियाँ फूल जाती हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली तेल उसके ऊपर डालते रहिए, तो आपकी पूरियाँ इस तरीके से फूल जाएंगी। ये देखिए, थोड़ा टाइम लगेगा बट फूल जाएंगी। आपको जितना क्रिस्पी करना है, आप इसके बाद आंच को थोड़ा सा लो करके जितनी देर के लिए पूरियों को तलोगे उतनी क्रिस्पी बनेंगी।
ये देखिए हमारी पूरी एकदम हो चुकी है। इसी तरीके से हम बाकी की भी तल लेंगे। इसको निकाल लेते हैं हम। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी आलू पूरी बिल्कुल रेडी है। मैंने आलू पूरियों को परोसा है आलू मटर की सब्जी के साथ। आलू मटर की रेसिपी मेरे प्रीवियस वीडियो में है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आलू पूरी खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पूरी होती है। मैं आपको इनका अंदर से टेक्सचर दिखाती हूँ। ये क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही मसालेदार होते हैं, क्योंकि हमने इतने सारे मसाले डाले थे। तो ये देखिए अंदर आपको सारे मसाले दिख रहे होंगे। ये पूरियाँ सबसे अच्छी लगती हैं आलू मटर की सब्ज़ी के साथ या फिर आलू तरी की सब्ज़ी के साथ। आई होप आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई हो, तो एक लाइक तो आप कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लें, क्योंकि इस तरीके की और भी रेसिपीज़ के साथ मैं आगे भी आ रही हूँ। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि अपडेट्स आपको टाइम से मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।